टू फैमिली, तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो हम भी ठीक है दोस्तों, हमारा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए 3 महीने से ब्लॉग वीडियो नहीं गया है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, दिल खोल कर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और की बेटा हाँ तुम करो, हम दिखाते हैं। देखिए हमारा मनु कसरत कर रहा है, बोलो करो खाना में आज किया बना रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आप लोग, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अरे चले न चले, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा चावल उबल रहा है, मतलब खदक रहा है, और इसमें कुकर में आलू है, और इधर देख लीजिए प्याज काट के रखी, टमाटर और लहसुन है। और क्या बनेगा जो आप लोग को बताते हैं, चावल बनेगा और आलू का झोर और चोखा बनेगा, 180 रुपये पसेरी। खाएगा कैसे जिएगा वो तो भगवान जानता है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और चलिए मनु कोची कर रहा है, कराटा कर रहा है, कोची कर रहा है, वो हमको जिद्दी कर रहा था, चलो मम्मी हमको दिखाओ। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, देखिए यही कराटा कर रहा है, देख लीजिए आप लोग, देखिए ये लोग हड़ पकड़ के कराटा कर रहा है। देखिए सुबह से उठेगा, ने ब्रश किया है और ने पढ़ने जाता है, और ने ढंग से खाना खाता है, कुछ नहीं करता है। पढ़ने कहते हैं जाने के लिए तो चौकी के नीचे नुकता है, और सुबह से उठ के खाली कार्टून देखता है। आज ब्रश भी नहीं किया, सुबह सुबह जाके दुकान से चीजी ले आया और वही खाया, कैसे बनता है। देखिए दोस्तों मेरा आलू उबल के तैयार हो गया, अब इसका छिलका निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा चावल भी हो गया, तो इसको मार निकालने लगे क्योंकि देखिए दोस्तों मर गए, यहाँ पे गल गए हैं, मतलब निकल गया है। इधर मेरा भात हो गया है और अब जाते हैं आलू झोर बनाने के लिए। देखिए दोस्तों मेरा आलू का छिलका निकल गया है, अब इसको कूचेंगे नमक मिर्चाई के। इधर मेरा कढ़ाई दिख गया है, इसमें तेल डालकर फ़ोरन डालकर, और देखिए दोस्तों यहाँ पे फ़ोरन पक रहा है। मम्मी इधर आलू का चोखा कोड़ लेते हैं। क्या कर रहा है मन्नू? मन्नू को चोखा खाएगा ना मन्नू? अब बहुत अच्छा लगता है। अब भूल लेते दोस्तों, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। भूल जा गया दोस्तों, अब इस थाली में निकाल लेती हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा सा तेल फिर से कढ़ाई में डाले हैं, ये लहसुन का कटा हुआ है, इसको डाल देती हूँ। ओहो देखिए ये हो गया है, उसके बाद इसको टमाटर डाल देती हूँ। देखिए टमाटर डाल देती हूँ, अब इसमें नमक हल्दी और मसाला डलाएगा, उसके बाद चोखा डलाएगा। देखिए इसमें गरम मसाला और नमक हल्दी का पाउडर सब्जी का डाल दी हूँ। और उसके बाद इसको चला देती हूँ। अब इसमें चोखा ऐड कर देते हैं। देखिए ये गया चोखा, पानी ऐड कर देंगे, मतलब पानी दे देंगे तो भून जाएगा झोर आलू। डाल देती हूँ, चोखा भुंजा दिया है। देखिए क्या ही खाने मस्त लगता है दोस्तों, अभी खदक जाएगा, इसको उतार दूंगी। इसको
अच्छी तरह से मिला देती हूँ ताकि घी का ठीका ना रहे।